बड़ी खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, 92 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हुआ है। 2 दिन पहले ही अपना जन्मदिन मनाया था। 93 साल की उम्र में मोतीलाल वोरा का निधन हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तो कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के कोषा अध्यक्ष भी मोतीलाल वोरा थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक शोक की लहर न केवल राजनीतिक गलियारों में छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक शोक की लहर छाती है। एक युग का अंत मोतीलाल वोरा के जाने से हुआ है। बड़ी खबर, 2 दिन पहले ही अपना जन्मदिन मनाया था, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी। कई लोगों ने उस दौरान बधाई भी दी थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बेहद दुखद खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे मोतीलाल वोरा। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन होना एक बड़ी क्षति है, न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि पूरी भारतीय राजनीति के लिए। एक युग का अंत मोतीलाल वोरा जी का निधन और एक युग का अंत होना। वरिष्ठ सहयोगी रूपेश गुप्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। रूपेश जी, मोतीलाल वोरा जी का निधन मतलब 7 शब्दों में कहा जाए तो एक युग का अंत। रूपेश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? रूपेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो दोबारा इनसे हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर, दुखद खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी, मोतीलाल वोरा जी का निधन एक युग का अंत। देखिए, कह सकते हैं युग का अंत है। ये गांधी परिवार से अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अगर कोई गांधी परिवार के सबसे निकटस्थ ये कांग्रेस के नेताओं में रहे हैं। मोतीलाल वोरा का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब एक साथ था तो ये 2 बार यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1985 में इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इनका सेंट्रल की राजनीति में ये तब पहुंचे जब इनको इसके बाद गवर्नर उत्तर प्रदेश का बनाया गया। उत्तर प्रदेश गवर्नर बनने के बाद ये जब यहाँ लौट के आए तो इनको मध्य प्रदेश से काम दिया गया और ये उसके बाद दुर्ग से राजनांदगांव से ये जब चुनाव हार गए रमन सिंह से, उसके बाद ये फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की राजनीति में चले गए और फिर उसके बाद गांधी परिवार के काफी निकटस्थ रहे हैं, कोषाध्यक्ष रहे हैं, अभी तक कोषाध्यक्ष रहे हैं। और वोरा जी, मैं एक बात इनके बहुत ही बता दूं कि ये गुजरात से आए हुए थे यहाँ और गुजरात से आकर के यहाँ एस्टेब्लिश हुए थे, छत्तीसगढ़ में एस्टेब्लिश हुए थे और अर्जुन सिंह के पहले निकटस्थ रहे हैं, लेकिन बाद में कतिपय कारणों से अर्जुन सिंह से इनकी दूरियां हो गई। अर्जुन सिंह से दूरियां होने के बाद फिर ये पहले मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने ही बनवाया था, बाद में 1988 के आसपास जब माधव मोती एक्सप्रेस चली थी, मोती माधव एक्सप्रेस चलाई गई थी, उस दौरान इन्होंने अर्जुन सिंह का काफी अच्छा खासा विरोध किया था और दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद से फिर जब ये 1998 के आसपास रमन सिंह से, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री से चुनाव हारे, उसके बाद से ये सेंट्रल गवर्नमेंट की राजनीति में चले गए। और बहुत ही, अगर मैं इनके से कई बार साक्षात्कार लेने का मुझे इनका मौका मिला, बहुत निकट रहे, ये बहुत ही सरल स्वभाव के थे, सबसे आम लोगों से मिल लेते थे। इनके बारे में एक कहावत भी है, जब ये मुख्यमंत्री रहते थे तो एक कहावत चल पड़ी थी कि वोरा जी की नोट शीट हो गई, मतलब अगर ये कोई नोट शीट लिखते थे तो महीनों सालों तक उसमें कोई काम नहीं होता था और जो नीतिगत काम होते थे वो करते थे, व्यक्तिगत कामों में इनकी बहुत ज्यादा रुचि नहीं रहती थी। जी जी बिल्कुल, त्रिपाठी जी आपने बताया, इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मूल रूप से गुजरात के थे लेकिन किस तरह से वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में रच बस गए। ये बहुत ऐसे विरले ही नेता ऐसे हुए हैं कि कहीं और के वो रहे हो और फिर किसी दूसरी जगह उन्होंने अपना वर्चस्व इस तरह से स्थापित किया हो। नहीं, इससे हालांकि बहुत पहले आ गए थे। मैं बता दूं आपको कि जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था तब उस समय शुक्ल बंधुओं का एक तरह से कांग्रेस में जलजला था, दबाव था। श्यामाचरण शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला का दबाव इतना ज्यादा था
कि यहाँ अर्जुन सिंह जी जब 1980 में विधायक मुख्यमंत्री बने थे उस दौरान तक ये लोग विद्याचरण शुक्ल के सामने खड़े होने की स्थिति में नहीं रहते थे। ऐसी स्थिति में मोतीलाल वोरा चूंकि दुर्ग से आते थे, इनका व्यवसाय था अपना, ये मुनीम थे, मैं ये एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी जिसमें ये मुनीम का काम किया करते थे और कांग्रेस का काम भी धीरे धीरे करते थे। तो अर्जुन सिंह जी ने चूंकि शुक्ल बंधुओं से अर्जुन सिंह की नहीं थी, एकता नहीं थी, उसका विरोधी थे, इसलिए उन्होंने मोतीलाल वोरा को आगे बढ़ना चालू किया। पहली बार ये राजनीति में इनको अगर कोई पद मिला है तो ये राज्य परिवहन निगम के उपाध्यक्ष हुए थे मोतीलाल वोरा, पहली बार कांग्रेस को कोई पद मिला है। और उपाध्यक्ष रहने के बाद चूंकि बहुत ही सरल, इनको राजनीति में आलू भी कहा जाता है कि किसी भी सब्जी में डाल दे, किसी के साथ भी कोई भी काम दे दे, उस काम में पूरी तरह से जुड़ जाते थे। तो अर्जुन सिंह जी ने इनको उठाना चालू किया। राज्य परिवहन निगम के उपाध्यक्ष बनने के बाद सीताराम जाजू उसके अध्यक्ष थे और ये उपाध्यक्ष थे। तो उसके बाद से फिर धीरे धीरे ये राजनीति में आए जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो जब 1985 में अर्जुन सिंह को अचानक दिल्ली से मैसेज आता है, वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और एक घंटे के अंदर मैसेज आता है कि आपको पंजाब का गवर्नर बनाया जाता है, वहां जाइए। तो आनंद फानंद में इन्होंने मोतीलाल वोरा को मुख्यमंत्री पद की राजीव जी से अनुमति लेके शपथ दिलवा जाते हैं। और उस समय ये कहा जा रहा था कि मोतीलाल अर्जुन सिंह जी अपनी खड़ाऊ रख करके चले गए हैं, जल्दी ही लौट करके वापस आएंगे। तो मोतीलाल वोरा पहले उस खड़ाऊ की छवि में थे, लेकिन बाद में जो इनके नेक्टस रहे हैं, विठल भाई पटेल रहे हो या अन्य जो मंत्री रहे हैं, उन लोगों ने वोरा जी को अलग से, मतलब कि आप अर्जुन सिंह जी के छाया से आप अलग होइए, आपका खुद का अपना कद है। तो धीरे धीरे इनका कद अलग, ये अलग हो चले। जब ये अलग हो चले उस दौरान फिर अर्जुन सिंह जी से और इनका विवाद, आंतरिक विवाद चालू हुआ। फिर अर्जुन सिंह जी किसी तरह से वहां से दिल्ली गवर्नर होने के बाद दिल्ली आए, दिल्ली से फिर मुख्यमंत्री यहां बन गए। उसके उनके मुख्यमंत्री बनने के विरोध में कि उनको फिर से हटा के बनाया जाए, तो माधवराव सिंधिया और मोतीलाल वोरा एक साथ इन्होंने यहाँ गुटबाजी की और जितने अर्जुन सिंह के कुछ लोग थे, कमलेश्वर द्विवेदी से लेकर के कैप्टन जयपाल सिंह से लेकर कई लोगों को इन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। और ये सब जाकर के दिल्ली दरबार पहुंचते थे कि अर्जुन सिंह को हटा करके वापस माधवराव सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो लेकिन इसी बीच में चुरहट लाठी कांड का फैसला आ गया और चुरहट लाठी कांड और कैरवा डैम कांड, तो अर्जुन सिंह जी को हटना पड़ा। जब हटना पड़ा तो माधवराव सिंधिया को मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि राजनीति में आलू कहे जाते हैं, इस कारण अर्जुन सिंह जी इस बात पे अड़ गए थे। तीन दिन तक ये विवाद चला था, सांसद पूरे इनकी तरफ थे, मोतीलाल वोरा और माधवराव सिंधिया की तरफ, लेकिन विधायकों का बहुमत अर्जुन सिंह की तरफ था। इन स्थितियों में अर्जुन सिंह जी ने वीटो पावर लगाया कि नहीं, माधवराव सिंधिया नहीं, मोतीलाल वोरा चल सकते हैं। मतलब उनकी सरल स्वभाव वाली छवि जो है कि ये अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये व्यक्तिगत तौर पर, राजनीतिक तौर पर नुकसान अर्जुन सिंह का कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर नुकसान नहीं करेंगे, इसलिए माधवराव सिंधिया की जगह मोतीलाल वोरा जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। हालांकि विवाद तीन दिन तक चलता रहा। लास्ट में उस तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह जी आए और उन्होंने एक तरह से अर्जुन सिंह जी को धमकी, बतौर धमकी भी दी थी कि अगर आप इस्तीफा नहीं देते हो तो आपको टर्मिनेट करके अरेस्ट कर लिया जाए। बहुत सारी बातें थी और ये दूसरी बार मुख्यमंत्री 1990 में बने, लेकिन फिर भी ये नहीं रह पाए। और उसके बाद श्यामाचरण शुक्ला को फिर 8 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। तो 1990 में फिर पटवा सरकार आ गई। तो इस तरह से तब से ये यहाँ की राजनीति से अलग होते चले गए। जी रूपेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। रूपेश जी, दो दिन पहले ही मोतीलाल वोरा ने अपना जन्मदिन मनाया था और आज उनका निधन हो जाना, क्या उनको बीमारी थी, क्या वजह बताई जाती है कि अचानक वो सबको छोड़ के चले गए? देखिए, वैसे उनको कोई सीरियस बीमारी नहीं थी, लंबे समय से वो, चूंकि उम्र का जो असर होता है वो उनके स्वास्थ्य पर लगातार पड़ रहा था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद से सोनिया गांधी से कहकर के रिटायरमेंट मांगा, जिसके बाद अहमद पटेल को बनाया गया था। लेकिन ये कांग्रेस की बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि दो शीर्ष नेता अहमद पटेल और उसके बाद मोतीलाल वोरा का चला जाना कांग्रेस आला कमान के लिए बहुत बड़ा झटका है। दो दिन पहले अरुण वोरा से हमारी बातचीत, उनके बेटे हैं, विधायक हैं, उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने बताया था कि बाबूजी का जन्मदिन मनाने के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली का जन्मदिन भी मनाया, 93 साल पूरे कर लिए उन्होंने, उसके जन्मदिन मनाया। और उसके बाद फिर आज थोड़ी तबीयत बिगड़ी तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनका निधन हो गया। हालांकि ये नहीं पता चल सका है कि वजह क्या रही। और जो उनको भर्ती कराया गया था उसी दरमियान जब वो बर्थडे मनाए
उसी दरमियान ही उनको भर्ती कराया गया था। हालांकि इससे पहले भी वो बीमार थे और बीमार से ठीक हुए थे, लेकिन इस बार बीच बीच में कई बार ये खबरें भी उड़ी कि मोतीलाल वोरा का निधन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य से इस बार ये खबर सच साबित हुई और मोतीलाल वोरा, जो कि जैसे अजीत त्रिपाठी जी बता रहे थे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कितनी लंबे समय तक सत्ता के केंद्र में रहे और किस तरह से सत्ता के अलग अलग समीकरणों में वो फिट रहे, तो बड़ा राजनेता छत्तीसगढ़ डेंकोडिया है जो मध्य प्रदेश के नेतृत्व करता थे और जिनके मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी चला करती थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सारे मसले जो तय होते थे मोतीलाल वोरा की रजामंदी के बिना तय नहीं होते थे। 2018 में जब कांग्रेस यहाँ 3/4 मेजोरिटी के साथ सरकार में आई, उस वक्त भी मोतीलाल वोरा से ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने पूछा कि किसे सीएम बनाया जाए, तो मोतीलाल वोरा ने तांद्र साहू का नाम लिया था। हालांकि बाद में परिस्थितियां बदली और वो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, लेकिन कितना बड़ा कद था और कितना बड़ा विश्वास था इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि नेहरू गांधी परिवार के सबसे करीबी नेता, सबसे विश्वसनीय नेता कोई थे तो वो मोतीलाल वोरा। बिल्कुल त्रिपाठी जी, जिस तरह से रूपेश जी यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि सबसे विश्वसनीय और सबसे करीबी नेता मोतीलाल वोरा जी थे और वो अब इस वक्त नहीं रहे हैं, और इससे पहले जिस तरह से हमने देखा कि अहमद पटेल भी चले गए, तो ये दो बड़ी क्षति हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी को इस वक्त लगी मिली है। और आप, क्योंकि आप लंबे वक्त से पत्रकारिता में हैं, आप किस तरह से मोतीलाल वोरा जी को याद करेंगे? देखिए, मोतीलाल वोरा जी को सीधे से अगर कोई भी पत्रकार अगर कोई याद करता है तो एक सरल व्यक्तित्व के धनी और बहुत ही सहज स्वभाव वाले मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता रहे हैं। इनके गोविंद लाल वोरा एक अमृत संदेश अखबार छत्तीसगढ़ से निकलता है, जिसपे वोरा जी ने अपनी लेखनी भी कई बार, वो पत्रकार भी उनको आप कह सकते हैं, बहुत अच्छे लेखक भी रहे हैं, वो लिखते भी रहे हैं। और सबसे जो आप कह रहे हैं कि गांधी परिवार के नेतृत्व, उससे आप कोई अंदाज लगा सकते हैं आप कि वो कोषाध्यक्ष, किसी भी पार्टी का कोषाध्यक्ष अध्यक्ष का बहुत ही निकटस्थ होता है। इसके पहले सीताराम केसरी बहुत निकटस्थ हुआ करते थे, आप तो लोगों कोषाध्यक्ष के रहने के बाद भी सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। उसी तरह मोतीलाल वोरा इसमें लंबे समय से, जब यूपीए की सरकार थी तब वो इसमें अध्यक्ष कोषाध्यक्ष बन गए थे, और दिल्ली के मुख्यालय में, कांग्रेस मुख्यालय में भले ही कोई नेता ना पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन मोतीलाल वोरा जी ठीक 10:30 अपने कक्ष में पहुंच जाते थे। मैं कुछ दिन दिल्ली में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन 6-7 महीने में मैं दिल्ली कार्यालय जब जाता था तो मोतीलाल वोरा जी हमको बैठे मिल जाते थे। लेकिन मोतीलाल जी वोरा जी ने जो अपनी छवि थोड़ी सी परिवर्तित की थी, जब इन्होंने 88 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, तो मैं आपको बता दूं कि अर्जुन सिंह के मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री थे सबको उन्होंने पत्ता काट दिया था, और अपने जो 85 से 87 के बीच में जो इनके मंत्री थे उन सबको वापस लिया था, चाहे कैप्टन जयपाल सिंह हो, चाहे विठल भाई पटेल हो या अन्य हो, काकू भाई हो, इन सबको उन्होंने एक साथ पूरा परिवर्तन कर दिया था। तो यहाँ दो ही गुट थे, अर्जुन सिंह जब और मोतीलाल वोरा के गुट हो गए थे, उस समय विजय चरण शुक्ला तो अप्रासंगिक होते जा रहे थे धीरे धीरे, लेकिन जब छत्तीसगढ़ बना तो एक बार फिर से बने, अगर वहां से सोनिया जी ने नहीं कहा है तो मोतीलाल वोरा जी ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की दावेदारी नहीं जताई, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की दावेदारी जताई विजय चरण शुक्ल ने। और चूंकि हाईकमान चाहते थे अजीत जोगी को, तो उस समय भी मोतीलाल वोरा चुपचाप शांत थे, उन्हें जो काम दिया जाता था वही काम करते थे, कभी भी बदले की राजनीति उन्होंने नहीं की। पहली बार उनका बदला हुआ स्वरूप देखा गया था थोड़ा सा 87-88 में, जब उनको दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने गया, वो भी उनका बदला हुआ स्वरूप इसलिए देखा गया क्योंकि माधवराव सिंधिया जी बैक में थे, मुख्यमंत्री उनको बनना था, मोतीलाल वोरा जी बने थे, तो एक तरह से सुपर सीएम के रूप में माधवराव जी माने जाते थे। लेकिन कभी उन्होंने बदले की राजनीति नहीं की। बदले की राजनीति के अलावा उनका जो स्वभाव था, अधिकारियों के साथ भी जिस तरह उनका सामंजस्य था, तो ऐसा नहीं होता था कि वो मुख्यमंत्री है और सामने वाला कलेक्टर है, एसपी है, अधिकारी है, वो उससे भी कभी भी तुम कह के बहुत ही कम लोगों को उन्होंने संबोधित किया है। वो आपके अलावा उनसे आधी उम्र का अगर कोई नेता है उसको भी आप कह के वो संबोधित किया करते थे, क्योंकि मुझे कई बार उनसे मिलने का सौभाग्य हुआ
हमारे घर भी आए, हम उनके नेता सब उनके पास भी जाते रहे, तो आप कहते ही वो हमेशा उसको संबोधित करते रहे। बिल्कुल वाकई मुझे पार्टी की, क्योंकि एक बड़ी क्षति न केवल ये कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश के राजनीति के लिए है, क्योंकि एक युग का अंत यहाँ पे हुआ है। और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए त्रिपाठी जी आपका, रूपेश जी आपका भी। और इसी के साथ मोतीलाल वोरा जी को स्वराज एक्सप्रेस भी विनम्र श्रद्धांजलि।